गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलईडी। ये एलईडी ट्यूब है, इसको रिपेयरिंग करने में आपको बताऊँगा कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। ओके चलिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इसको कैसे रिपेयरिंग करना है, ठीक है। सॉरी ये मेरा स्विच बल्ब चढ़ गया था इसलिए ग्लो करने लगा। ये GM कंपनी का मेरा ट्यूब है एलईडी ट्यूब। पहले तो मरकरी आता था लेकिन ये एलईडी ट्यूब है। ओके देखिए, मेरे स्विच बल्ब काम कर रहा है। पहले आपको मेरे स्विच करके दिखा रहा हूँ ये सही काम कर रहा है कि नहीं। सॉरी ये भी काम तो नहीं कर रहा है स्विच बल्ब सही। साथ में आपको बताऊँगा कि ये डायरेक्ट चेक करके मैं दिखाऊँगा सही में डायरेक्ट भी जल रहा है कि नहीं। कभी कभी होता है कि स्विच से नहीं जलता। ओके इसको मैं आपको डायरेक्ट आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये मैं सीधे डायरेक्ट लगा चुका हूँ लेकिन ये कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको खोलने का स्टेप बताऊँ कैसे खोलना है। यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, इसको लॉक को आपको पेचकस से थोड़ा सा पुश करना, ये दिखाई पड़ जाएगा। एक मिनट आप जूम करके दिखाता हूँ। लॉक है, इसको आपको पेचकस से आपको थोड़ा सा पुश करना है, यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पुश किए, ये देखिए खुल गया। कैप है, इसका बोथ साइड आपको कैप हटाना है, ठीक है। मैं इस साइड का कैप हटा चुका हूँ। अब वो क्या करना है, यहाँ पर आपको एक क्लिप जैसा लगा रहा है, इसको क्लिप को हटा दीजिएगा आप। रबर टाइप का यहाँ पर है। ओके चलिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए, टाइम नहीं लगे ऐसे वेस्ट में आपको होने नहीं दूंगा। आपको क्या करना है, इसको तार को दिखाई पड़ा कौन से डायरेक्शन में इसका मतलब पिनअप किया हुआ है। ओके यहाँ पर चाहे तो दो आपको प्लस माइनस एलईडी बल्ब का कनेक्शन किया हुआ है एलईडी ट्यूब का, तो इसको प्लस माइनस आपको हटा भी सकते हैं। सोल्डिंग मशीन से आप हटा दीजिए इसको, वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सोल्डिंग मशीन का यूज़ आपको दिखा रहा हूँ प्लस माइनस कैसे हटाया जा रहा है। यहाँ पर का प्लस माइनस आराम से हटा दीजिए इसका वायर को, उसके बाद आप इसका एलईडी ट्यूब को निकाल दीजिएगा। साथ में इसका एक छोटा सा एडेप्टर रहता है, उसका इसके अंदर में आपको निकालिए, दिखाई पड़ जाएगा। ओके देखिए धीरे धीरे निकालिएगा थोड़ा सा। ओके हाँ वाह, इसका थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है। ट्यूब देखिए ये स्टिक है एलईडी स्टिक, ये छोटा सा एडेप्टर आपका। एडेप्टर को भी मुझे चेक करना पड़ेगा ये एडेप्टर सही है कि नहीं, क्या एलईडी स्टिक ख़राब हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एडेप्टर को मैं चेक करूँगा। तो क्या करता हूँ, पहले इसको सीरीज में मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। ओके ये सीरीज में मैंने कनेक्शन कर दिया। इसको मैं डीसी, देखो यहाँ पर करंट शो कर रहा था मतलब एसी, यहाँ पर डीसी में कनेक्शन दिखा रहा हूँ कि आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ये देखिए आउटपुट भी मिल रहा है आउटपुट, मतलब मेरा स्टिक में ख़राबी है, एडेप्टर मेरा सही है। अब आपको बताऊँगा एडेप्टर को कैसे चेक किया जाता है, एडेप्टर सॉरी स्टिक को कैसे चेक किया जाता है वो आपको मैं बताऊँगा। स्टिक को तो मैं बता चुका हूँ, ये आपका स्टिक है। आप चुट्टा को ले लीजिएगा, आपको एलईडी को टच कर मैं बोथ साइड को आपको सटा कर देखना है कहाँ पर जल रहा है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। उसके लिए एक बब एक एलईडी को देखिए, जहाँ पर वो डार्क होगा एलईडी थोड़ा सा काला होगा डॉट टाइप का होगा, समझ लीजिए वही आपका ख़राब है। तो मैं देख रहा हूँ इसमें कहाँ पर वो उस टाइप का है, उससे पता चल जाएगा। आप सीरीज में यूज़ किया डायरेक्ट मत यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर भी सही है, परफेक्ट, यहाँ भी सही है। आगे देखते हैं, आपका जो एक एलईडी है वो 3 वाट लेता है। देखिए यहाँ पर डॉट है, देखिए दो को। अब मैं यहाँ पर सटा के देखता हूँ, चलो ग्लो करेगा कि नहीं। देखिए देखिए ग्लो करना स्टार्ट हो गया, मतलब ये दोनों ख़राब है। जहाँ जहाँ ग्लो नहीं करा उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करें, दोनों को मैं डायरेक्ट कर दूँगा, एक को कोई प्रॉब्लम नहीं एक से। अब दो क्या कीजिएगा, इस सबको डायरेक्ट सोल्डिंग कर दीजिए। तो पहले क्या कर लेंगे, इसको पेचकस को हटा दीजिए ऊपर वाला कैप, क्योंकि प्लास्टिक से ये कोटिंग रहता है। पेचकस पर हटा दिए, ये मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। सोल्डिंग कर दिया हूँ, अब मैं इसको क्या करता हूँ चेक कर लेता हूँ ये क्या ग्लो कर रहा है कि नहीं।
यहाँ पर ग्लो तो कर रहा है। अब इसको मैं प्रोफिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ओके सॉरी हमें थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, अब सही है। देखिए यहाँ पर इसका गैपिंग दिया हुआ, कहाँ पर इसको डालना है, साथ में इसका इसको घुसाने के लिए पहले दोनों को जोड़ दिए, उसके बाद इसको घुसाइए अंदर। चलिए ठीक है, चला गया। पूरा मत घुसाइए, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर तार निकालना पड़ेगा। देखिए छोटा सा यहाँ पर इसका तार आ गया होगा, यहाँ पर आराम से निकाल दिए इसका वायर, उसके बाद पूरा अंदर घुसा दीजिएगा। ठीक है, इसका वायर निकाल दिया हूँ। चलिए सही है, हो गया, ये अंदर चला गया। अब मैं आपको पहले चेक करके दिखा देता हूँ ये सही काम कर रहा है कि नहीं, डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। चलिए मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।